हेलो फ्रेंड, धन्य अंका जी। आज मैं मटर दाल से बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाना बताऊंगी। इसे बनाने के लिए सबसे मैं मसाले को पीस लेती हूँ। इसमें मैंने दो प्याज लिया हुआ है, इसे बड़ा बड़ा मोटा मोटा काट लिया है, और देखिए दो पोटी मैंने लहसुन लिया, इसे भी छील के साफ कर लिया है। और ये गरम मसाला है, इसमें लौंग इलायची और दालचीनी है। इसमें मैंने दो इलायची, तीन लवंग और थोड़ा सा दालचीनी लिया है। ये हल्दी पाउडर है, ये धनिया और जीरा का मिश्रण है, ये काली मिर्च की पाउडर है। इसमें मैं जरा सा पानी ऐड करके अच्छे से पीस लूंगी। हमारा मसाला देखिए अच्छे से पीस गया है। इसे मैंने कटोरे में निकाल लिया है। इसमें कश्मीरी मिर्च मैं ऐड कर दी हूँ, इसे एक तरफ रख देती हूँ, तब तक मैं पीस लेती हूँ। इसमें जरा सा नमक ऐड करूंगी, जरा सा हल्दी, बस और कुछ नहीं डालना है। इसे बिना पानी डाले अच्छे से पीस लूंगी। देखिए मैंने दाल को पीस लिया है, इसे एक बाउल में निकाल लूंगी और बाकी बची हुई दाल को भी इस तरह से मैं पीस लूंगी। देखिए हमारा दाल अच्छे से पीस गया है। इसे पीसते समय मैंने 2 चम्मच पानी का यूज किया था। अब मैं इसमें धनिया ऐड करूंगी, अच्छे से मिक्स करूंगी इसको। हमारी कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई है, इसमें मैं रिफाइंड ऑयल डालूंगी तलने के लिए। हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब मैं इसे छोटा छोटा बड़ा की तरह छान लूंगी। गैस को मीडियम पे कर देंगे। एक बार में जितना हो सकेगा उतना ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। हमारे बड़े अच्छे से सीख गए हैं एक तरह से, इसे हम पलट देंगे अच्छे से, गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करेंगे। मैंने सारे बड़ों को देखिए तल लिए हैं। यह मेरा कढ़ाई भी गर्म हो गया, इसमें मैं तेल डालूंगी। ये सरसों का तेल है, तकरीबन 2 चम्मच मैंने डाला हूँ, बड़ा चम्मच से। तेल हमारा गर्म हो गया, इसमें तेज पत्ता डालेंगे, प्याज डालेंगे। प्याज को अच्छे से हमें फ्राई करना है। हमारा प्याज देखिए लाल हो गया है, मैं मसाला ऐड करूंगी। मसाले में हम नमक ऐड करेंगे और ये टमाटर, मैंने 2 छोटे छोटे टमाटर काट के रखा, इसे ऐड करेंगे। टमाटर जब तक हमारा सॉफ्ट हो जाए और मसाला बन जाए, तब तक मैं भूनना मसाला की सहायता से इस तरह से मैं छेद कर दूंगी, ताकि जब हमारा पकौड़ा जूस में जाए तो अच्छे से इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाए। ये देखिए इस तरह से मैंने अच्छे से फॉक्स से इसमें छेद कर दिया है। ये 2 हरी मिर्च है, इसमें मैं मसाले में कट करके बीच से डालूंगी। हमारा मसाला यहाँ भून गया है। ये देखिए जिस कटोरे में मैंने दाल रखा हुआ था पकौड़े तलने के लिए, उस कटोरे को मैंने भून दिया था। पानी है ये दाल वाली, इसमें मैंने डाल दिया। अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। पानी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऐड करिए, कम बेसी। अब हम इसको ढककर पकाएंगे। देखिए हमारी ग्रेवी अच्छे से खोल गई है। अब मैं इसमें सारे बड़े डालूंगी, कम से कम 10 मिनट तक पकाऊंगी, जब तक हमारे बड़े सॉफ्ट। देखिए हमारे पकौड़े हैं अच्छे से, इसमें देखिए फूल के बड़े बड़े हो गए हैं। इसमें मैं हरा धनिया ऐड करूंगी। तो हमारे पकौड़े की सब्जी तैयार है, मटर दाल की पकौड़े की सब्जी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही हो तो उसे लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।